हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर फाइन। सो आज एक नई शुरुआत एक नए दिन के साथ, काफ़ी सनी डे। अभी तो वही सिचुएशन है कि लॉकडाउन इज देयर और हम लोग सब घरों में हैं। कुछ ऐसा खास हम लोग नहीं प्लान कर रहे हैं, मतलब हम क्या कोई भी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में है करेला, रात का तो करेला है, करेले की सब्जी और रोटी। और आईडी क्या करेगा, एडी आप क्या करोगे नाश्ते में, टेल मी, बोलो। डे नाम से उठ गया। सो अभी ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अभी कुछ दाल वगैरह सुखा रही थी धूप में और अब बनाती हूँ चाय वगैरह। सुखाई मैंने दाल मिर्च वगैरह कुछ ये सब चीज़ें, काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। जो निशु की मामी हैं वो साइड में रहती हैं, मतलब मेरी भी मामी हुई, तो उन्होंने आम दिए थे कच्चे आम की चटनी बना लेना। लेकिन हमारे यहाँ पे कच्चे आम की सब्जी बनाई जाती है, मतलब यूपी में, तो मैं वो बना रही हूँ। अभी गुठली तो नहीं आई है आम में, पर फिर भी मैं उसे बना ले रही हूँ, गुठलियाँ बिना गुठली के, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो बहुत पसंद करते हैं वो गरम गरम रोटी के साथ में, नमक की रोटी हो और वो गुड़ डाल के बनाते हैं, पता ही होगा। या हम बना रहे हैं गुड़म्मा और ये काटते रहे, और आम की सब्जी भी बोलते हैं इसे, कच्चे आम की सब्जी। यूपी में तो गुठले वाले आम होते हैं तो वो खाए जाते हैं। अब ये बना रहे हैं हम, मामी ने दिए थे और इसके साथ में बनाएंगे। काम कर रही है आज, वो वहाँ पे किसी को प्लाज्मा वगैरह चाहिए तो वो कॉलिंग में लगी है, बात कर रही है, अरेंज करा रही, मतलब तो आजकल हो ही रहा है। कोविड की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उसने नहाया नहीं, तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं उसे मना करके आई हूँ। मैंने कहा मैं कुछ खाना नहीं बनाऊँगी, आम की सब्जी बनाने वाली हूँ और फिर मैं बोलूँगी जाके कि मैंने कुछ नहीं बनाया। आज मैंने नहाया नहीं है क्योंकि आज मैं सुबह से काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। Do you want to know? Well, I've been thinking about you. ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, मन कर रहा है स्नैक्स खाने का। मैं नहाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ। नहाया धोया नहीं है, सर में तेल लगा रखे हैं और ऐसा आलस आ रहा है ना मुझे भी नहाने में, पर मैं नहा के तो रहूंगी। ये क्या तरीका है, ये देखिए व्लॉगिंग करते हैं ऐसे, ना कि वीडियो देखते हैं, क्या बात। सो यूपी स्टाइल वाला गुड़ का जो है वो कुछ बन रहा है, आम का, अरे सॉरी आम की चटनी या सब्जी, आम की सब्जी। मतलब हम लोग बचपन में बनाते थे पर बहुत गाढ़ा सा होता था वो, बिल्कुल मतलब मैं नहीं बनाती थी बचपन में, मम्मी गुड़म्मा बोलते हैं इसे, गुड़म्मा या फिर आम की चटनी, आम की सब्जी। तो ये हमारी आम की चटनी है, ये रोटी है, सॉरी आम की सब्जी, कच्चे आम की सब्जी यूपी स्टाइल और रोटी। आज हम अर्ली डिनर कर रहे हैं, 6 बज रहा है अभी, कर लेते हैं, क्या हो गया। दो दिन से लगातार बारिश हो रही है एंड मौसम अच्छा हो जा रहा है, वैसे नो डाउट काफ़ी प्लेजेंट वाली फीलिंग आ रही है, काफ़ी अच्छा वेदर हो जा रहा है। बारिश में भीगने का अपना ही कुछ अलग मज़ा होता है ना, हर कोई पसंद करते हैं बारिश में भीगना। मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, मैं इधर आ जाती हूँ। अभी बना रही हूँ मैं कॉफ़ी, दिस इज़ फिल्टर कॉफ़ी, एंड मेरे सर हैं राजेश मेनन सर, जो कि मुझे जिम कॉर्बेट के ट्रिप पे मिले थे, तो उन्होंने मुझे ये कॉफ़ी गिफ्ट की थी, थैंक यू मेनन सर, चीयर्स। तो डिनर वगैरह तो आज हम लोगों ने जल्दी ही कर लिया, अराउंड 6:30 बजे के आसपास अर्ली डिनर हम कर चुके हैं, और अभी बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है और अब ऐसा ही लग रहा है और मन कर रहा है चाय वगैरह पीने का। और आज कंप्लीट लॉकडाउन था तो मैं मिल्क नहीं ला पाई। जब हम अर्ली डिनर करते हैं तो हमें मतलब भूख लग जाती है, बट अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, रात को हैवी मैं स्किप ही कर रही हूँ फिलहाल,
और आज मिल्क भी नहीं है कि जो चाय बन सके, इसलिए अरे आकांक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, कह रही है यार चाय चाय चाय। मैंने कहा जब चाय है तो क्या करें, बट मैंने ब्लैक कॉफी उसको पिलाई जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल चीनी नहीं डालती हूँ, उसके लिए मैंने हल्की सी चीनी डाली थी। तो गाइज अभी तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लाइट का भी मुझे बहुत वो लग रहा है, बस एडिटिंग हो जाए, ब्लॉग अपलोड हो जाए, सो सब कुछ सेट हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए जोश के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाइए, और जाएं तो मास्क पहन के जाएं, वो भी डबल। प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम, गुड नाइट।